रास्ते में और फिर यही सांस छोड़ने में 30 सेकंड लगाओगे क्योंकि उनको अलग से डॉक्टर के पास अपना हेल्थ चेकअप कराने की जरूरत नहीं है। अगर 30 सेकंड लगा दियो सांस लेने में और 30 सेकंड लगा दियो सांस छोड़ने में, डॉक्टर छुनाते आओ मिलके कसम खाए के को पेड़ लगाए। जन्म 12 जनवरी 1853 को हुआ था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नारायण था। उनकी माता का नाम श्री देवी था। स्वामी विवेकानंद पूरे भारत की पैदल यात्रा की थी और अपने विचारों सभी को संबोधित किया था। स्वामी विवेकानंद जी के पिता विश्वनाथ दत्त वकील थे। स्वामी विवेकानंद जी के आज अनमोल विचार और आज भी हमारे हिंदुओं के मन में जोश भर देते हैं। जय जय भारत। सभी जानते हैं कि आज हम यहाँ स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। वो युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं, इसीलिए उनके जन्मदिन को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। उनके बचपन का नाम नारायण दत्त था तथा उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था और उनके पिता वकील भी थे। उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी। उन्होंने रामकृष्ण मठ की स्थापना की। उन्होंने शिकागो धर्म सम्मेलन 11 सितंबर 1893 में आयोजित हुआ था। वो भारत की तरफ से हम प्रतिनिधित्व कर रहे थे और उन्हें शिकागो धर्म सम्मेलन में बोलने के लिए कम ही समय मिला था, पर उन्होंने शिकागो में सबसे अपने पहले शब्द कहे, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। जैसा ही इतना वहाँ की जनता ने सुना, वहाँ तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी। जबकि स्वामी विवेकानंद जी को ज़्यादा बोलने का समय नहीं मिला था, लेकिन उन्होंने अपने शब्दों का ऐसा जादू चलाया कि वो पता ही नहीं चला कब 1 से 2 घंटे हो गए। स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हुई थी। जय हिंद जय भारत।